इंटीग्रल निकाले क्या कर रहा, 1 बाई एक्स माइनस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। जब मैंने बताया था कि बाहर आपका लीनियर हो, अंदर क्वाड्रेटिक हो, इस फॉर्म में होगा, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं जो बाहर जो है ना उसको 1 बाई टी। ठीक है, चलिए अब इसे हम लोग डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर 1 इक्वल टू में -1 बाई टी स्क्वायर dt और बाई में dx, यानी कि dx इक्वल टू में आएगा -1 बाई टी स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए x का वैल्यू की बात करेंगे तो 1 बाई टी प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं, तो 1 बाई x-1 की जगह पे 1 बाई टी, अच्छा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1 बाई टी प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 और dx जगह पे -1 बाई टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 1 t और ये 1 t यहाँ से कट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस माइनस है 1 बाई टी, यहाँ पे 1 t है और रूट के अंदर देखिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 बाई टी और +1 gt। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, हम लोग इसे a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a² + b² + 2ab, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अंदर एलसीएम होगा रूट के अंदर t² यहाँ पे आएगा 1 और प्लस का, देखो ये 1 1 2 हुआ तो 2t आ जाएगा और प्लस का इसमें से डिवाइड करके t एक बचेगा, 2t² होगा ना यहाँ पे, 2t² हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 t बचेगा जगह बोलेगा 2 t। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t इंटू में रूट अंडर देखिए 2t² + 2t + 1 और नीचे ये t बाहर आ जाएगा, ये t से t यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई √2t² + 2t + 1 dt बच गया। चलिए अब इसमें एक और काम करते हैं, ठीक है ना जी, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ डिवाइड का भी काम करते हैं, यानी वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4t² + 4t + 1 हो जाएगा dt। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब प्लस का यहाँ भी तो 2 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई किया है, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई है, √2 से नीचे बताए तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो -√2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, यहाँ पे देखिए इसे क्या करते हैं, 2t² + 2 * 2t + 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 1 का स्क्वायर, देखो ये 2 हो जाएगा फिर वापस से, -√2 इंटीग्रल ऑफ नीचे क्या आ जाएगा देखो रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t + 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर dt, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -√2 से लगते हैं 1 बाई 2 a। ठीक है, अच्छा और इसका डेरिवेटिव जो होगा ना 2 होगा, तो इसलिए वो भी डिवाइड में आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लॉग ऑफ यहाँ पे होगा 2t + √2t + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और +c, यानी आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, इसे काट कर -1 बाई 2 √2 लॉग ऑफ 2t + 1 और प्लस में √2t + 1 का स्क्वायर + 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे कि वेयर टी जो है किसके इक्वल था, तो टी हमारा ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं, टी हम लोग किसके इक्वल लिए थे, टी जो है 1, इसको पलट देंगे तो टी 1 बाई x-1 के लिए, ठीक है 1 बाई x-1 के लिए हम लोग देखिए ये हो जाएगा आंसर। या दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीका है मेरे पास,
मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ना जी। हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग √2 कॉमन कर लेते, √2 कॉमन कर लेते अंदर, ठीक है। जैसे मतलब ऊपर क्या था, और दूसरा मेथड देख लीजिए, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई √2t² प्लस का 2t+1 था ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें से √2 कॉमन कर लेते हैं। √2 कॉमन करने का मतलब अंदर से हम लोग 2 कॉमन करना, t² प्लस का t+1/2, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस है 1/√2, 1/ ये जो बचा है इसको देखिए क्या करते हैं, टी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और प्लस का 1/2। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, -1/√2 इंटीग्रल ऑफ 1/, नीचे क्या हो जाएगा, √t t t+1/2 का स्क्वायर, और प्लस में देखिए अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए -1/4 और +1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का 1/4 आएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर ये फॉर्मूले पे रख देते हैं, -1/√2 क्या होगा, 1/, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 1/2a log ऑफ t+1/2 प्लस का √t+1/2 का स्क्वायर और +1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 करेगा, तो फाइनली अब यहाँ से आंसर लिख देंगे, आ जाएगा -1/√2 log ऑफ t+1/2, ठीक है, और प्लस का अंदर यही रहने देते हैं, t+1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1/4 प्लस सी, लिख देंगे यहाँ पे कि वेयर t = में क्या था, 1/x-1, 1/x-1, तो ये भी है और वो भी है, दोनों दोनों आंसर सही होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।